ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वञ्चाकर्मदतोश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भक्ति के अलग अलग अंग करने से हमारा जो भक्ति में तीव्रता है वो बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हम कौन सा भी भक्ति का अंग अच्छे से करेंगे तो दूसरे अंग को मदद करेगा। जैसे अगर हम अच्छे से पुस्तक पढ़ेंगे, भागवतम गीता पढ़ेंगे, तो उसका फ़र्क किसमें आएगा? हमारे जप में आएगा। तो वैसे हम अच्छे से जप करेंगे तो क्या होगा, अगले बार जब हम भागवतम पढ़ते हैं उसमें हमको अलग ही अर्थ समझ में आएगा, राइट। और वैसे ही जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है, हरिनाम में और भागवतम में दोनों में रुचि आती है। तो अल्टीमेटली हम कौन सा भी अंग अच्छे से करेंगे बाकी हर एक अंग में रिफ्लेक्ट होगा। तो भक्ति का जो अंग है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है और हर एक चीज़ बाकी अंगों को मदद करता है। तो आज सुबह हमने चर्चा किया हरि नाम के बारे में कि कैसे हरि नाम सार है सब भक्ति के अंगों का। दूसरा हमने डिस्कस किया भक्तों के प्रति हमको सेवा करना चाहिए, वैष्णव सेवा। और तीसरा हमने डिस्कस किया कृष्ण कथा, भगवान की कथा। तो क्योंकि आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस है तो रामानुजाचार्य के और उनके शिष्यों के ज़िंदगी से दो तीन स्टोरी सुनेंगे जिससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि कैसे हमको भक्तों की सेवा करनी चाहिए और किस भावना से हमको कृष्ण कथा सुनना चाहिए। तो रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों का ये बहुत खासियत था कि उन्होंने वैष्णव सेवा कैसे करना है वो हमको सिखाया है। जैसे रामानुजाचार्य स्वयं बहुत महान भक्त थे, उनके अनेक सारे शिष्य थे, हजारों लाखों शिष्य थे, फिर भी जब भी उनके गुरुवर्ग आते थे उनसे मिलने के लिए रामानुजाचार्य बहुत नम्रता से उनकी सेवा करते थे। वेरी सिंसियरली एंड वेरी सबमिसिवली वुड सर्व ऑल हिज गुरुज। तो एक बार रामानुजाचार्य के एक गुरु हैं जिनका नाम है शैलपूर्ण। तो रामानुजाचार्य तिरुपति में थे और उस समय शैलपूर्ण करके उनके गुरु आए थे तो उनसे मिलने के लिए। तो रामानुजाचार्य ऑलमोस्ट 30 दिन बैठ के उनसे रामायण सुनते हैं। और अब तक रामानुज ऑलरेडी गुरु हैं श्री संप्रदाय के, उनके खुद के शिष्य हैं, फिर भी वो अपने गुरु के साथ बैठ के कृष्ण कथा सुनते हैं और नम्रता से सेवा करते हैं। तो ये हमारा परंपरा का भाव है कि हम कितने भी एलिवेटेड हो, जब भी सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलता है या कृष्ण कथा सुनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद
वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बार प्रवचन देने के बाद प्रभुपाद ऐसे ही उनमें से जो उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं उनके तरफ देख के बोलते थे, तुम उठ के बताओ कृष्ण के बारे में कुछ। तो उनको इमेजिन करो, प्रभुपाद खुद बैठे हैं, अपने गुरु बैठे हैं और उनके सामने कुछ बोलना है तुमको। प्रभुपाद बोलते हैं चलो आज सडनली, और वो नोटिस प्रभुपाद देते नहीं थे, बताओ कुछ। और वो बताता था और प्रभुपाद को इतना आनंद आता था कि मेरे शिष्य भी कृष्ण कथा बोलना सीख गए, और प्रभुपाद को उनके शिष्यों से सुनने के लिए भी अच्छा लगता था। राइट, तो रामानुचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था खुरेश, तमिलनाडु में इनको कूरत तलवार बोलते हैं। तो खुरेश रामानुचार्य प्रति इतना उनका सेवा का भावना था, तो एक बार खुरेश रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, श्री रंगम में रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा एक प्रार्थना है कि रामानुज ये शरीर छोड़ने से पहले, मेरे गुरु शरीर छोड़ने से पहले मैं पहले शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा प्रार्थना कर दिया और रंगनाथ ने उनका प्रार्थना सुन लिया, हाँ बोल दिया। जब रामानुचार्य को समझ में आया कि मेरे शिष्य ने ऐसा प्रार्थना किया है, तो वो कुरेश के पास जाके बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों प्रार्थना किया, मेरा परमिशन मांगा भी नहीं ये प्रार्थना करने के लिए। तो कुरेश उनको बोलते हैं, देखिए अगर आप पहले शरीर छोड़ देंगे तो वैकुंठ में आप जाएंगे पहले, बाद में मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं आऊँगा वैकुंठ में, तो क्या होगा, आप मुझे रिसीव करने के लिए रहेंगे वैकुंठ में, ये बराबर नहीं है। गुरु अपने शिष्य को रिसीव नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पहले जाऊंगा वैकुंठ, और वैकुंठ जाने का आप जब आएंगे आपका स्वागत करने के लिए मैं रहूंगा। तो रामानुजन का आंखों से इतना आंसू बहने लगा कि मेरा भक्त है वैकुंठ जाना चाहता है, पर उधर भी उसका भाव क्या है, भक्तों का सेवा, सेवा का भावना उधर भी है। तो ऐसे ही कुरेश की ज़िंदगी में और एक स्टोरी है। एक बार एक राजा था कोलटुंग करके, जो रामानुजाचार्य से बहुत ईर्ष्या करता था क्योंकि उनके फिलोसॉफिकल मतभेद था। तो उसने एक बार रामानुजाचार्य को बुलाया एक डिबेट करने के लिए, और उसने बोला कि उसका एक्चुअली प्लान था रामानुज को मारने के लिए। तो कुरेश को ये समझ में आ गया, तो कुरेश रामानुजाचार्य को बोलने लगे कि इस बार आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा। तो कुरेश ने रामानुजाचार्य का संन्यास कपड़ा पहन लिया और रामानुज को उनका गृहस्थ कपड़ा दे दिया, और रामानुजाचार्य को बोले आप भाग जाओ उधर से। उस समय रामानुजाचार्य भाग के मेलकोटे आते हैं। तो कुरेश जाता है तो कोलटुंग सोचता है यही रामानुज, कुरेश को लेके जाता है। और उसका डिबेट का कंडीशन था कि आप हार जाएंगे तो आपको छोड़ दूंगा, पर आपको मेरा जो फिलोसफी है वो स्वीकार करना पड़ेगा। आप जीत जाएंगे डिबेट में तो आपके मैं मार दूंगा। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम था। तो कुरेश ने जो सही था सत्य था वो एस्टैब्लिश किया, और कोलटुंग उसने क्या किया, कुरेश के दोनों आंख निकाल दिए गरम रॉड से, कुरेश के दोनों आंख निकाल दिए। और कुरेश उसमें भी इतना आनंद में थे क्योंकि उनको लग रहा था देखो अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो रामानुज यहाँ पे होते थे। तो इतना खुश थे कि इतना बड़ा सेवा मुझे मेरे गुरु के प्रति करने का अवसर मिला। तो इस तरह से रामानुज और उनके सब शिष्य हमको समझाते हैं कि कैसे भक्तों का सेवा और भक्तों से कथा सुनने का जो अवसर है वो बहुत ही दुर्लभ है। राइट, दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल रेयर गिफ्ट्स। प्रथु महाराज हेल्प्स अस ग्लिम्स द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण कथा इन हिज प्रेयर टू लॉर्ड विष्णु। माय डियर लॉर्ड, आई देयरफॉर डू नॉट विश टू हैव द बेनेडिक्शन ऑफ मर्जिंग इनटू योर एग्जिस्टेंस, अ बेनेडिक्शन इन विच देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द नेक्टेरियन बेवरेज ऑफ योर लोटस फीट। I want the benediction of at least 1 million years, for thus I may able to hear about the glories of your lotus feet from the mouths of your pure devotees. तो पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति में मुझे लीन नहीं होना है। क्यों? क्यों वहाँ पे कृष्ण कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया कुछ शरीर ही नहीं मिलता,
शरीर नहीं है तो कान नहीं, कान नहीं है तो कृष्ण कथा सुनने का अवसर नहीं। तो बोले मुझे ब्रह्म ज्योति में दीन नहीं होना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही चीज़ चाहिए। ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सामने आए उनके, उन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए कि मुझे आपका कथा सुनना है, कृष्ण कथा सुनना है। और इसके लिए मुझे मिलियंस, सैकड़ों मुझे कान दे दो चलेगा, मतलब कितना भी जन्म हुआ तो मुझे चलेगा, पर मुझे क्या सुनना है, आपका कथा सुनना है, किससे, आपके भक्तों से, राइट। तो ये हमारा सार है, भक्तों की सेवा करना और भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण कथा सुनना, राइट। और अल्टीमेटली भक्तों का सेवा करना मतलब क्या, उनका जो उपदेश है वो बैठ के सुनना और उपदेश को फॉलो करना। एक बार शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे, क्योंकि जब शिला प्रभुपाद थे सब शिष्य सोचते थे कि मैं शिला प्रभुपाद के साथ ही रहूँगा हमेशा पास में सन्निधि में। तो शिला प्रभुपाद एक बार लेक्चर में बोले, देखो एक मच्छर है, ये मच्छर भी सबसे मेरे पास है, नज़दीक है, पर मच्छर क्या कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मेरा खून चूस रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा मतलब क्या, वो जो बोल रहे हैं उसको हमारी ज़िंदगी में उतारना, प्रीच द टेस्ट, टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो अगला जो अंग है भक्ति में वो क्या है, प्रचार करना। जैसे मैं आपको बोल रहा था, ऐसा लगेगा अरे प्रचार करने से हरिनाम में रुचि कैसे आएगा, हम हरिनाम जपा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रचार और इसका क्या कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, राइट। तो जब भक्ति के हम हरेक अंग को अच्छे से करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो इफेक्ट है भक्ति का वो अलग ही हमारा एक्सपीरियंस होगा, राइट। तो यहाँ पे बुर्जन रूप चैतन्य चरितामृत से लिखते हैं प्रचार के बारे में, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णा आर अंडरस्टूड टू बी अ स्टोर हाउस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव, ऑल्दो दैट स्टोर हाउस ऑफ लव सर्टनली केम विद कृष्णा व्हेन ही वॉज प्रेजेंट, इट वॉज सील्ड, बट वेन श्री चैतन्य महाप्रभु केम विथ असोसिएट्स ऑफ द पंचतत्व दे ब्रोक द सील एंड प्लंडर द स्टोर हाउस टू टेस्ट द ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण प्रेम जो है वो एक खजाने की तरह है जो हमेशा लॉक किया हुआ था, पर चैतन्य महाप्रभु ने आके क्या किया, वो खजाने के लॉक को तोड़ दिया और क्या किया, उन्होंने ये कृष्ण प्रेम सबको बांटा। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो द मोर दे टेस्टेड इट द मोर देयर थर्स्ट फॉर इट ग्रू, श्री पंचतत्व डेमसेल्स डांस्ड अगेन एंड अगेन एंड थस मेड इट इजियर टू ड्रिंक द नेक्टेरियन लव ऑफ गॉडहेड, दे डांस्ड क्राइड लाफ्ड एंड चैंटेड लाइक मैड मैन एंड इन दिस वे दे डिस्ट्रीब्यूटेड लव ऑफ गॉडहेड। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने क्या किया, वो खजाने को तोड़ दिया, स्वयं चका और दूसरों को बांटने लगे। तो प्रचार का कार्य मतलब क्या, जब हम ठीक तरह से हमारा श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हमको कुछ रस मिलता है और वो रस हम बांटने का कोशिश करते हैं। अगर हमारा ही साधना ठीक तरह से नहीं हुआ तो हम ये जो कृष्ण प्रेम है खुद चका और दूसरों को बांटा, और बांटते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सही कैंडिडेट है कौन नहीं, कहाँ बांटना चाहिए कहाँ नहीं बांटना चाहिए, उन्होंने सबको एक समान देते गए। और ये कृष्ण प्रेम का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि जितना बांटोगे उतना सप्लाई बढ़ता है। रामानुजाचार्य की जिंदगी में रामानुजाचार्य हमको ये भी सिखाते हैं कि कैसे है, हमको कौन से भाव से प्रचार करना चाहिए, प्रचारक का क्या भाव होता है। एक बार रामानुजा उनके गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो उन गुरु का नाम है गोष्ठीपूर्ण। तो रामानुजाचार्य रहते थे श्रीरंगम में और गोष्ठीपूर्ण रहते थे त्रिकोटियूर करके एक जगह है। तो रामानुजाचार्य चल के जा गए त्रिकोटियूर मंत्र दीक्षा पाने के लिए, और गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को देख के बोला, नहीं नहीं तुम योग्य नहीं हो, मैं तुमको दे नहीं सकता। तो रामानुजाचार्य वापस आ गए। तो फिर से उनके
महापुर ने उनके जो और एक गुरु हैं उन्होंने बोला नहीं नहीं तुमको फिर से जाना चाहिए, तो फिर से रामानुचार्य गए गोष्ठीपूर्ण के पास, चल गए उतना दूर, और गोष्ठीपूर्ण ने उनको बोला देखते हैं मैं अब तक सोचा नहीं, सोच के बताऊंगा, ऐसा करके उनको रुका दिया। तो काफ़ी दिन तक रुके वो, कुछ हुआ नहीं, वापस आ गए, फिर से गए तो गोष्ठीपूर्ण बोले भगवान ने अब तक मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं दिया, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो फिर से थोड़े दिन रुके, फिर से आ गए, ऐसा 17 बार वो आगे पीछे चल के गए मंत्र का दीक्षा पाने के लिए, राइट। और रामानुजारी ये नहीं सोचे कि ये गोष्ठीपूर्ण अपने आप को क्या सोचते हैं, गुरु तो बहुत पढ़े हैं और एक गुरु के पास चला जाऊँगा, नहीं, प्रामाणिकता से वो चलते गए। और उनको रामानुजी को लग रहा था कि मेरे अंदर ही कुछ कमियाँ हैं, इसके वजह से गोष्ठीपूर्ण मुझे दे नहीं रहे। तो फाइनली गोष्ठीपूर्ण के सपने में भगवान आए और बोले रामानुजी को दे दो आप मंत्र दीक्षा। तो गोष्ठीपूर्ण ने रामानुचार्य को ये मंत्र दिया, पर मंत्र देने से पहला बोला कि ये जो मंत्र दूंगा, जो कोई भी ये मंत्र का जप करेगा वो सीधा वैकुंठ चला जाएगा, उसके सब कष्ट मिट जाएंगे, पर ये मंत्र जो क्वालिफाइड नहीं है उसको नहीं देना चाहिए, जिसके पास गुण है उसको ही देना चाहिए, जैसे मैंने तुमको टेस्ट किया वैसे टेस्ट करके ही देना चाहिए मंत्र। तो रामानुजन बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने कान में ये मंत्र बोला, ये मंत्र क्या था, ओम नमो नारायणाय, कान में सुनाया। तो रामानुचार्य इतना खुश हो गए कि मुझे मंत्र मिल गया। तो रामानुचार्य क्या किया, सीधा तिरुकोटियोर में एक मंदिर है वहाँ का, सिटी में एक प्रमुख मंदिर है, तो वो मंदिर में गए, वो मंदिर के शिखर पर चढ़ गए, और वो शिखर पर जाके वो लोगों को चिल्लाने लगे, गांव वालों को, सब लोग आ जाओ मैं आप लोगों को एक मंत्र दूंगा, ये मंत्र जप करने से आप लोगों का सब कष्ट मिट जाएगा और आप लोग वैकुंठ चले जाएंगे। तो ऐसा फैलने लगा वो पूरे जगह पे। हम अभी रिसेंटली रामेश्वरम यात्रा गए थे, ये जगह पे गए थे हम, ये जो शिखर पे रामानुचार्य चढ़े थे हम भी चढ़ गए हैं। तो रामानुचार्य वहाँ से जोर से चिल्लाने लगे, पूरे गांव के लोग आ गए थे, ये मंत्र ओम नमो नारायणाय, और सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे, और इतना आवाज़ आ रहा है, वो आवाज़ सीधा गोष्ठीपूर्ण के घर तक पहुँच गया, ये घर उधर ही था, राइट। तो गोष्ठीपूर्ण सोचने लगे अभी तो मैंने रामानुजी को बोला था कि ये मंत्र किसी को देना चाहिए, 10 मिनट में इस तरह तोड़ दिया, हाँ मेरे आदेश को तोड़ दिया। और रामानुचार्य ये मंत्र देने के बाद सीधा वो गोष्ठीपूर्ण के घर ही जाते हैं, जनरली गुरु के अभिज्ञा करते हैं तो उधर से भाग जाएंगे ना, तो सीधा गोष्ठीपूर्ण के घर ही जाते हैं। और गोष्ठीपूर्ण रामानुचार्य को देख के इतना गुस्से में है, बोले पता है तुमको क्या तुम्हारा गति होने वाला है गुरु की अवज्ञा करने का। तो रामानुचार्य बोले हाँ मुझे पता है मैं नरक जाऊँगा, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे लोग वैकुंठ जा रहे हैं तुम्हें अकेला नरक गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बोले वो गोष्ठीपूर्ण के सामने। तो गोष्ठीपूर्ण के आंख से आंसू आने लगा, वो रामानुचार्य के पैर पे गिर गए और बोले आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो कहने का मतलब है हमारा वैष्णव संप्रदाय है उसका सार क्या है, प्रचार, टीचिंग इज द एसेंस, हमको जो ज्ञान मिला है वो दूसरों को देना। तो श्रील प्रभुपाद ने प्रचार कार्य बहुत सिंपल बनाया हमको, प्रचार कार्य क्या है, जितना तुमको पता है उतना बताओ, आज इतना पता है उतना लोगों को बताओ, कल थोड़ा और पता रहेगा उतना बताओ, राइट। जब श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद के एक गृहस्थ शिष्य थे, जो पहले शिष्य थे, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, तो उनकी छोटी सी एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती, छोटी सी बेटी। तो वो प्रभुपाद लेक्चर में बोलते थे ये छोटी सी बच्ची ये भी प्रीचर है, क्यों, क्योंकि वो बच्ची को ज़्यादा कुछ आता नहीं था, पर वो हर एक के पास जाती थी, लोगों के पास जाती पूछती थी और बोलती थी आपको पता है क्या भगवान कौन है, बोले बोलते थे पता नहीं, बोलते कृष्ण भगवान है, राइट। और फिर से लोगों को पूछते कृष्ण कौन है पता है क्या, बोलते नहीं पता, बोलते कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद बोले ये भी प्रचार कर रही है, उसको जितना पता है उतना वो बोल रही है। तो इस तरह से हम भक्ति के
जितने भी छोटे अंग शिला प्रभुपाद ने दिया हमको, अच्छे से करेंगे तो हमारा एवरीडे हमारा इंटेंसिटी भक्ति में बढ़ता जाएगा। हरे कृष्णा। एनी एनी क्वेश्चंस, किसी का कुछ प्रश्न है? महापूर्ण भी है एक्चुअली, महापूर्ण उनके दीक्षा गुरु हैं, गोष्ठीपूर्ण मंत्र रामानुचार्य, ऐसे चार पांच गुरु थे उनके, शैलपूर्ण और एक गुरु थे, कांचीपूर्ण एक गुरु थे। तो श्री संप्रदाय का ओम नमो नारायण मंत्र हो गया, तो शंकर से नहीं तो में वही सेम मंत्र ये करते पाठ करते हम लोग? नहीं नारायण बोलते ना, नमो नारायण, वो नमो नारायण ये बोलते हैं। नमो नारायण है मतलब उनका वो मंत्र नहीं है, वो एक दूसरे को देख के एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नमो नारायण, नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करो, तो वो अपने आप को एक दूसरे को नारायण मानते हैं, वो अलग ही फिलॉसफी है। शिष्य थे, सन्यासी थे उस समय रामानुजगत। ओके, हरे कृष्णा।